नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां यूपी के फतेहपुर जिले में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के चौडगरा NH2 पर पुलिस ने दो शातिर अवैध गुटखा तस्करों को अरेस्ट कर बड़ा खुलासा किया है, जो ब्रांडेड गुटखा की आड़ में अवैध गुटखा की बिक्री कर रहे थे। तभी स्वाट टीम और कल्याणपुर पुलिस ने घेराबंदी कर दो लोगों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से 5,20,000 के नकली गुटखा और 29,700 रुपये नगद सहित 1,35,000 पाउच गुटखा मिला है। आपको बता दें, पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से जहां क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं पुलिस ने खुलासा कर अवैध गुटखा का व्यापार करने वालों का भंडाफोड़ किया है। वहीं DSP सिटी ने खुलासा करते हुए बताया कि ये लोग काफ़ी समय से गुटखे की बिक्री कर रहे थे। तभी पुलिस टीम को इस बारे में जानकारी मिली तो चौगड़ा के पास खड़ी गाड़ी चेक कर उन्होंने रोक कर चेक की और पता चला कि 5,20,000 का अवैध गुटखा और 29,700 नगद सहित गाड़ी बरामद की गई है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जा रही है। ये डालते उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की एक बड़ी कार्रवाई पर नजर। और थाना कल्याणपुर पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में गुटखा, नकली पान मसाला बरामद किया गया है। थाना कल्याणपुर पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर बजाज मैक्सिमो वाहन से विभिन्न ब्रांड के 1,35,000 पाउच नकली पान मसाला, जिसकी कीमत लगभग 5,20,000 तथा बिक्री के 29,700 रुपये व दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध थाना कल्याणपुर पर अभियुक्त पंजीकृत करके आवश्यक की कार्रवाई की जा रही है।